महाराष्ट्र में चलता भाई नव भारत अखबार, और ये महाराष्ट्र की पहली चाय, लेकिन मैं चाय नहीं ले रहा ये सागर के, तो मैं दूध ले रहा हूँ भाई, इसमें जितना भी आएगा भाई जी। महाराष्ट्र के पहले ठेले पे हम रुके हैं भाई चाय वाय पीने के लिए, सुबह की हमारी पहली चाय। और अभी निकले यहाँ से रामटेक के लिए, जो कि 9 किलोमीटर बच गया, थोड़ा सा आ गए। दोस्तों नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय भोले, जय शंकर, जय श्री राम। मैं संदीप, ऑल इंडिया साइकिल राइडर, और अभी हम जा रहे हैं रामटेक के लिए। अभी ये जो गांव वाला रास्ता हमने ले लिया है, तो वैसे तो हाईवे से भी था लेकिन वो बहुत लंबा था, तो ये गांव वाला शॉर्टकट, और रोड भी बढ़िया, ऐसा नहीं है कि खराब है, काफी बढ़िया है। वो कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो अभी ना पे एक एक बूंद पानी टपक रहा था, तो मेरे पास छोटी बोतल थी तो मैंने इसमें लगा दी। अभी देखो इतना भरा है, तो ये जब पूरा भर जाएगा तो निकाल लेंगे, क्योंकि रास्ते में पेट्रोल पंप तो मिला नहीं, घर मिले थे, तो मुझे लगा कि आगे पेट्रोल पंप होगा तो पानी मिल जाएगा। वैसे अभी आगे है, मैंने भाई से पूछा, बोला आगे पानी मिल जाएगा, लेकिन अब यहाँ रुके थे तो मैंने को लगा कि भर लेते हैं, क्या दिक्कत है, आगे मिलेगा तो वो भी ले लेंगे। भर गया, पहुँच चुके हैं रामटेक सिटी। बाकी मुझे लगा था कि यार ये एक कस्बा होगा, जो बड़े गाँव होते ना तो उस टाइप का होगा, लेकिन ये तो सिटी है यार। बाकी सही है यार, ये नज़ारा है भाई, अभी रामटेक में एंटर होने वाले, जय श्री राम। और यहाँ का जो हिस्ट्री है वो मैं आपको जब दर्शन करेंगे ना तभी बताऊँगा। और ये द्वार खड़े करके देखो, वाह मज़ा आ गया यार। ये जो सामने वाली पहाड़ी है, इस पे है राम जी का मंदिर, और अभी चढ़ाई चढ़ के जा रहे हैं कि कहीं पर भी जगह दिख जाए सामान वगैरह रखने की, रहने की। कंपनी वाले फ़ोन किए हैं जी भाई साहब, ओके एक्सपीरियंस ये कह रहे, देख लो। बाकी ये मार्केट बहुत बढ़िया भाई रामटेक की, वो मैं आपको कल ही दिखाऊंगा, आज पहले मंदिर पहुंच जाए, दर्शन कर ले, उसके बाद देखेंगे बाकी। 18 भुजा गणेश मंदिर कड़े जनारा मार्ग, 3 रास्ते हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे। रामटेक में राम मंदिर की चढ़ाई इतनी प्यारी है कि पसीने ला दिए भाई। और अभी मंदिर ऐसे है कि जैसे उमलिंगला चढ़ते ना दूर से 8-10 किलोमीटर पहले जो दिखाई देता है वो एकदम वैसे ही। अभी हमें पहाड़ी पे वो राम मंदिर दिख गया, देखो रहा, और ये चढ़ाई ऐसे घूम घूम के भाई पता नहीं किधर में, जब जैसे हमने स्टार्ट किया चढ़ना हमें लगा कि यार चल थोड़ा बहुत होगा चढ़ जाएंगे, लेकिन आगे जैसे आ रहे हैं वो पीछे से पूरा चढ़ाई। हाय जी भाई जी, अभी तो राम वनवास मार्ग पे निकले हैं। राम वनवास, जय श्री राम। हरियाणा, हरियाणा से यहाँ तक आए साइकिल से, रात दिन करते नहीं, इवनिंग तक चलाते हो, शाम को रुक जाते हैं। बढ़िया जुगाड़ की हो, अयोध्या जाके आए? हाँ, पहले अयोध्या गए थे, उसके बाद वनवास मार्ग पे। आपको ही देख के रुक गया, फोटो फोटो, धन्यवाद भाई, फोटो निकालो। कहाँ गए आप? हरियाणा। वाओ भाई साहब, एकदम मज़ा आ गया यार भाई लोग से मिल के। तो महाराष्ट्र में ये पहले फैमिली है जो हमसे मिले हैं, वैसे कल एंट्री हुए थे महाराष्ट्र में, लेकिन इतना कुछ खास नहीं था एंट्री पे, फिलहाल यहाँ आ गए तो मज़ा आ गया। अभी जैसे मंदिर के लिए जा रहे तो बढ़िया है, मुँह लाल हो गया, इतनी गर्मी हो रखी थी। अभी हम मंदिर की सीमा में पहुँच चुके हैं, साइकिल खड़ी की है, तो अभी थोड़ा पसीना वगैरह सुखा के आराम करके फिर निकलेंगे मंदिर के दर्शन के लिए। और ये मार्केट आ गई जो मंदिर के बाहर होते हैं ना, खाने पीने की चीज़ें या मंदिर के लिए प्रसाद वगैरह नारियल वगैरह, वो यहाँ से होंगे। अभी शायद ये मंदिर की दीवार है, अभी जाएंगे तो आगे जाके पता चलेगा। बस इतनी खुशी हो रही है कि अब साइकिल इसी एरिया में कहीं खड़ी करेंगे और आगे जाएंगे पैदल ही, साइकिल खींच के लेके आ रहे हैं, और ऐसी चढ़ाई आ रही खतरनाक वाली कि आप लोगों ने सुना होगा कि सिर्फ महादेव ही पहाड़ों में नहीं रहते भाई, महाराष्ट्र में आओ रामटेक आओ तो राम जी भी आपको पहाड़ में मिलेंगे। ये पूरा एकदम पहाड़ की जो ऊपर का एरिया होता है ना बिल्कुल टॉप पे, वहाँ बैठे हैं राम जी। और यहाँ से पहली सीढ़ी, जय श्री राम भाई जी, जय श्री राम, शुरू हो गई। बाकी पुराने टाइप के पत्थरों से सीढ़ी बना रखे, इतने वो मोटे मोटे पत्थर होते ना एकदम वैसे वाले। वाह आगे क्या कहते हैं, मंगलसूत्र ही मंगलसूत्र, कितने सारे। बाकी
कि एक चीज़ तो जैसे ये यहाँ के लोकल लोग लोकल लैंग्वेज बोलते हैं ना, वो तो थोड़ी बहुत ही इतना सही समझ आएगा, बाकी हिंदी बोल लेते हैं बढ़िया है। मैं कह रही है भाई अगरबत्तियों की बढ़िया एकदम। ये सही था, अभी बस पहुंच ही गए मंदिर के पास। क्या डिजाइन है इसका, पुराने जमाने का जो डिजाइन बना रखा था ऊपर कमल के जैसा। खुला एरिया यार वैसे एकदम, ऐसा नहीं है कि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो रखी है। अब आ रहे हो घुसते हुए, हट जाओ के नहीं, एकदम खुला एरिया, आराम से आओ आराम से जाओ। देखो एकदम ऊपर पहाड़ों के लेवल में आ गए एकदम, लेवल में तो आने ही थे राम जी इतने ऊपर जो बैठे यार। पहली बार मैं ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पर राम जी पहाड़ों के ऊपर है। भोले बाबा के लिए बहुत जगह गए, माता वैष्णो देवी भी गए, लेकिन राम जी के लिए वाओ पहली बार। जय श्री राम। देखो एकदम पुराने टाइप का ये सब कुछ, पुराना। ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस, जय श्री राम। और सामने है राम टेक, राम जी का मंदिर एकदम सामने। देख काली बिल्ली आ जा। चलो भाई वो देखो, भोसला देवस्थान ट्रस्ट राम टेक। वाओ, ये है ऐतिहासिक चीज़ें रामायण से जुड़ी, जिनके बारे में हमें पता चला, फिर हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये है नागपुर में, नागपुर से पहले 40 किलोमीटर रामटेक आता है, तो वहाँ पर है ये राम जी का ऐतिहासिक मंदिर नागपुर में रामटेक। और इस जगह की मान्यता ये है अपने धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कि जब भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जी इस जगह पहुँचे थे, उस समय बारिश का मौसम था, तो वो 4 महीने यहाँ रुके थे। और एक जगह पर हमने पढ़ा कि जब भगवान श्री राम यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने ना एक प्रण लिया था कि मैं इस संसार को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा, वो प्रण इस जगह पर लिया था। और उसके बाद माता सीता ने यहाँ पर जो ब्राह्मण थे ना उनको भोजन कराया था, तो यहाँ पर सीता रसोई के नाम से भी जगह, बाकी उन्हीं को ढूंढ रहे कि है कि नहीं है। बाकी ये जो राम तक, इसलिए इसका नाम पड़ा था जब राम जी ने वो प्रण लिया था राक्षसों को मैं संसार मुक्त कर दूंगा, तो उस वजह से इसका नाम रामटेक पड़ गया, जो कि नागपुर से 40 किलोमीटर पहले है। बाकी अभी एक कुंड है मेरे साइड में, बाकी इसका भी नाम और पता निकालते हैं कि यहाँ पर क्या। बाकी मुझे अभी तक पंडित जी नहीं दिखे, तो अंदर मंदिर में जाके देखते हैं। चलिए एक बार आपको दर्शन करा देते हैं, तो बाद में और कुछ हिस्ट्री पता लगती है तो वो हम आपको बताएंगे। जय श्री राम। ये सामने राम जी का मंदिर है, जय श्री राम। वाह, ये ऐतिहासिक चीज देखो। तो अभी पंडित जी से पूछा मैंने कि इस जगह का मान्यता क्या है, तो पंडित जी ने बताया कि जब भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जी वनवास के दौरान इस जगह पहुंचे थे, तब वो ऋषि अगस्त्य जी से मिले थे, और उसके बाद उन्होंने इस जगह पर प्रण लिया था कि वो इस संसार को राक्षसों से मुक्त कर देंगे। तो मैंने पढ़ा भी था और आप लोगों को बताया था, लेकिन मुझे कंफ्यूज हो रखा था कि जो बात थी ना कि उस टाइम बारिश का मौसम देखो होगा, लेकिन अभी पंडित जी से पूछा तो टेक, जो राम टेक है, टेक का मतलब अपने ग्रंथों में प्रतिज्ञा, प्रण,
तो रामटेक इस जगह का नाम पड़ गया। और अभी मैं आपको यहाँ पे जो रामटेक सिटी है भाई बेहतरीन, अभी एक व्यू पॉइंट है, अभी वहाँ जाते पर वहाँ भीड़ ज़्यादा। वो सामने उधर में वो तालाब है और ये है पूरा रामटेक सिटी, इधर से पूरा व्यू दिख रहा भाई ये, पर अभी धुंधला है क्योंकि धूप इसी साइड से आ रखी ना, और वो पहाड़ है, वो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है, उधर में कोई भी मंदिर है। अभी ये पूरी सिटी है देखो, राम जी के मंदिर से पहले यहाँ पर आपको विष्णु जी का एक अवतार है वरा, जो कि सुअर का अवतार है। तो अब इनकी भी पुरानी ऐतिहासिक मान्यता है, अभी जैसे होता था पहले ज़माने के कि राक्षसों ने ऐसा कर दिया तब भगवान को अवतार लेना पड़ता था, क्योंकि उनको वरदान मिला रहता था राक्षसों की ऐसा कुछ होगा तभी, और भगवान चालाक थे तो ऐसे ही अवतार लेते थे। तो मतलब बहुत सारे अपने ऐसी ऐतिहासिक कहानियाँ हैं जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो अभी मुझे सच बता रहा हूँ दिल से कि पहली बार पता चला कि विष्णु जी का ये अवतार है वरा, जो कि सुअर जी का अवतार लिया था विष्णु जी ने। अब देख लो कि जब भगवान जी, अरे यार आप जीव जंतुओं को या आप उनके ऊपर अत्याचार करते हो, संभल जाओ। अभी हम निकल रहे हैं रामटेक मंदिर से, बाकी इसको गढ़ मंदिर बोलते हैं, वो मुझे एक जगह लिखा दिखा तो पता चला कि हाँ इसको गढ़ मंदिर बोलते हैं। रामटेक सिटी का नाम है, बाकी इस जगह का नाम रामटेक, वो जो मैंने कहानी बताई थी उसके उससे पढ़ा था। बाकी अभी यहाँ से दो रास्ते हैं, ये जो हमारे लेफ्ट वाला इससे हम आए थे, अभी जाएंगे सुंदर बावड़ी उधर। आज हम रुक रहे हैं रामटेक में, जो गढ़ मंदिर है उसके पास में ही एक ये तालाब है अंबाला लेक, अंबाला जो कि हमारे वहाँ सिटी है ना, अंबाला सिटी हरियाणा में, तो इसका भी नाम अंबाला ही है। और यहीं पर रुक रहे हैं, तो फिर सामने है महाराज जी का भक्त निवास। तो यहाँ पर ना ये एक होटल भी है नीचे की तरफ और ऊपर रुकने का, तो यहाँ पर आए देखो राम जी की कितनी कृपा रही हमारे ऊपर, हम आए कि चल रुकते लेक देखकर, फिर लोगों से पूछते आए तो यहाँ पहुँचे, तो भाई से बात किए कि हमें दिख गया था होटल है, तो भाई ने बोला कि यार यहाँ तो नहीं है तो पीछे जाओ। तो फिर भाई ने बोला कि चलो मैं मालिक से एक बार पूछ लेता हूँ, मालिक इतने बढ़िया है यार यहाँ पे, उन्होंने एक बार बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है रुक जाओ। और अभी हम दिखाएंगे आपको अपना अंदर का जो रूम है फिलहाल, ये जो लेक है यहाँ पर सुबह से दोपहर तक भीड़ होती है, शाम को ऐसे खाली हो जाता है, एकदम सुनसान सा पड़ता। और एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर एक जैसे ये परचून की दुकान है जिसपे आप राशन का सामान लेते हो, इसकी भी टाइमिंग है भाई ऐसे, जैसे यहाँ पर होटल वगैरह धर्मशाला है घर वगैरह भी है, लेकिन ये 5 से 6 बजे बंद हो जाएगी, पता नहीं क्या सीन है। लेकिन ऊपर पूरा एकदम ये जंगल का एरिया, इधर में थोड़े बहुत घर है, ये रोड से इधर से हम आए हैं, और ये अपना आज का रुकने का स्थान है श्री संत लोटागन महाराज, नीचे होटल है ऊपर अपना रुकने का। तो ये लेक आपको सुबह ही दिखाएंगे, क्योंकि सुबह धूप में नज़ारा एक अलग ही रहता है, और इस टाइम एकदम ऐसे मौसम चेंज हो गया बादल आ गए, तो सही है भाई भयंकर वाला सीन बनेगा सुबह अगर धूप निकल गई ना, मजे वाली।